बलौदाबाजार जिला के सिमगा क्षेत्र में उद्योग स्थापना के मसले पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु आयोजित जन सुनवाई के पहले ही ग्रामीणों के विरोधी स्वर मुखर हो रहे हैं। इस मसले पर ग्रामीणों ने बीते दिन तहसीलदार सिमगा को उद्योग स्थापना के विरोध स्वरूप ज्ञापन सौंपा था। बलौदाबाजार जिला सिमगा विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पौसरी में मेसर्स लाल स्पंज आयरन एंड पावर लिमिटेड संयंत्र का स्थापना प्रस्तावित है। इसी परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण स्वीकृति हेतु आगामी 5 जनवरी को जन सुनवाई सुनिश्चित है। जन सुनवाई के पूर्व ग्रामीणों का विरोधी स्वर मुखर होने लगा है। ग्रामीणों ने प्रस्तावित उद्योग के विरोध में तहसीलदार सिमगा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि उद्योग स्थापना हेतु प्रस्तावित भूभाग कृषि सिंचित क्षेत्र है, वहीं आबादी क्षेत्र से लगा हुआ है, जिसके चलते पर्यावरण प्रदूषित होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण जन प्रदूषण के शिकार होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले तीसरे पीढ़ी को क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण जनों ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी सूरत में उद्योग स्थापित नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र कृषि पर आधारित है, इससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि उद्योग स्थापना को लेकर जारी NOC को ग्राम सभा में खारिज किया जा चुका है। वही ग्राम पंचायत की बैठक में उद्योग स्थापना को लेकर अनुमोदन किया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि यह क्षेत्र अभी तक उद्योग के चंगुल से बचा हुआ है, जिसे बरकरार रखते हर संभव प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों ने बहतायत में उद्योग स्थापना के विरोध में जन सुनवाई के पूर्व तहसीलदार सिमगा को ज्ञापन सौंप दिया है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।